नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। लखनऊ में शुक्रवार सुबह जोपलिंग रोड स्थित सूरजदीप कॉम्प्लेक्स एरिया में कपल की डेड बॉडी मिली। बताया जा रहा है कि लड़के के हाथ पर कट का निशान और लड़की के सिर पर चोट का निशान है, दोनों कपल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों कैसरबाग के रहने वाले पड़ोसी हैं। मौके से सीसीटीवी भी मिला है। पुलिस की जांच में पता चला कि प्रेमी युगल रात करीब 4 बजे कॉम्प्लेक्स की छत पर पहुंचे थे। वहां एक कमरा बना हुआ है जहां पर उनके आने जाने का निशान मिले हैं। वहीं छत पर एक ब्लेड का रैप और खून से सना हुआ ब्लेड मिला है। दोनों के हाथ की नशे काटी हुई थी, खून काफी मात्रा में बिखरा हुआ था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके की जाँच में जुट गई। युवक युवती दोनों की शिनाख्त हो गई है। दोनों कैसरबाग क्षेत्र के कटरा मकबूल गंज मोहल्ले के रहने वाले हैं। लड़के का नाम ओजस तिवारी और युवती का नाम काजल पांडे है। लड़की नवयुग डिग्री कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। लड़का एनिमेशन एडिटिंग का कोर्स करता था। गुरुवार रात दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट कैसरबाग कोतवाली में लड़की के पांव ने दर्ज कराई थी। डेड बॉडी के पास एक मोबाइल मिला है जिसमें कुछ फोटोज हैं। मोबाइल के डायल हुए सभी नंबर गायब मिले। पुलिस ने फोन को अपने कब्जे में लेकर जांच किया जिसमें लड़का लड़की दोनों की फोटो मिले हैं। एक सुसाइड नोट मिला जिससे पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर वालों के नहीं मानने की वजह से दोनों ने ऐसा किया।